आज हमारे साथ है डॉक्टर राजीव बजाज, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, बत्रा हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर, मोटापा और हार्ट डिजीज के बीच में क्या संबंध है? कि मोटापा और हृदय रोग की जड़ तो एक ही है, मॉडर्न खान पान में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। इसी ग्लूकोज से हमारा वेट बढ़ता है और इसी ग्लूकोज से हमारी आर्टरीज खराब होकर ब्लॉकेज बनते हैं। अगर हमें ठीक रहना है तो हमें पुराने जमाने की तरह सब कुछ खाना पड़ेगा, गुड़ चीनी कम करके बाकी हर चीज को बढ़ा के खाना पड़ेगा। डॉक्टर, हार्ट डिजीज और डिसलिपिडीमिया के बीच में क्या संबंध है? देखिए, लिपिड प्रोफाइल बिगड़ जाती है उन्हीं की जिनको हार्ट डिजीज की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और दोनों की जड़ एक ही है। आजकल के खाने पीने में जो ग्लूकोज की मात्रा है ये अधिक है, इससे आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, एचडीएल घटेगा, जिसे हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं, और इसी से हमारी आर्टरीज भी खराब होती है। पुराने जमाने में इंसान अच्छी डाइट लेते थे, परहेज कम करते थे तो ठीक रहते थे। हमें भी गुड़ चीनी कम करके बैलेंस डाइट लेना है, ना कि परहेज करना है। डॉक्टर, हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन के बीच में क्या संबंध है? हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन दोनों एक दूसरे के साथ वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे दो बैल। बीपी बढ़ने से हमारी आर्टरीज खराब होती हैं, क्योंकि उनमें प्रेशर बढ़ जाए तो वेयर एंड टेयर ज्यादा है। बीपी बढ़ने से हमारे हार्ट के मसल के लिए काम बढ़ जाता है, तो वो भी एजिंग जल्दी होती है। जहाँ जहाँ आर्टरीज हैं वहाँ वहाँ पे हाई प्रेशर का प्रभाव भी होता है, ब्रेन में स्ट्रोक्स होते हैं, गुर्दे में किडनी डैमेज होता है। हमें अपना बीपी कंट्रोल रखना है कि हमारा हार्ट मजबूत रहे। Manage your health with a smile on your face and peace in your heart.